गुड मॉर्निंग। अनएकेडमी के ई लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम डेली न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको अनएकेडमी के बारे में बता दें। अनएकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंसर पोल कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज कंपटीशन कराया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी सीएससी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी कराई जाती है। प्री के लिए क्लासेस, मेंस के लिए क्लासेस, प्री के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज, ये सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं। इंटरव्यू के लिए मॉक कराए जाते हैं, ऐसे की क्लासेस, तो सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा एक ही प्लान में। देखिए, ऑप्शनल के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, बाकी आपको जीएस से रिलेटेड बाकी सभी प्लान आपको इसी में मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने पे लाइव क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज का भी लाभ ले सकते हैं। अनएकेडमी का ई लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिलती है। ये प्रोफाइल लिंक है, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस में स्पेशल क्लासेस का लाभ मिलता है। ये आप ऐप में जाएंगे जब, तो आपको स्पेशल क्लासेस का लाभ मिलेगा। ये क्लासेस करंट ओरिएंटेड बनाई गई हैं, मूल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स से आने वाले मेंस में जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कराया जाए, उनसे रिलेटेड एक प्रकार से आपको क्वेश्चन बेस्ड आंसर राइटिंग कराने का हमारा प्रयास है। यहाँ पे हमारे साथ टॉप 100 प्लस एजुकेटर्स काम करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं। एक बढ़िया टीम काम करती है, मृणाल पटेल जैसे इकोनॉमिक्स, सुदर्शन गुर्जर ज्योग्राफी, रोमन सैनी पॉलिटी, तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कई वर्षों में हर वर्ष ये सिलेक्शन देते रहे हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। एक अच्छी टीम है जो आपके साथ काम करेगी। समरी की बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी समरी यहाँ पे 15,000 प्लस कोर्सेज हैं, जिसमें एनसीईआरटी समरी आपको मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के लिए कि आप एनसीईआरटीज पढ़ें, ठीक है। तो एनसीईआरटीज के लिए आपको समरी बनानी पड़ती है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। ऑप्शनल कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कंटेंट आप भले ही आप नॉलेज गेन कर लें, लेकिन अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी बेस्ड क्लासेस होती हैं, जिनके माध्यम से आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने के लिए मदद की जाती है। दो प्रकार के प्लान है, प्लस आइकॉनिक, प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर शेड्यूल अवेलेबल है, इसकी एक साल की फीस जो है 49,500 है। कोड यूज़ करिए VIJY01, ये फीस हो जाएगी 44,550। दो साल की फीस 72,000 है, कोड यूज़ करने के बाद 64,800। तीन साल की फीस 90,000 है, कोड यूज़ करने के बाद 81,000। कोड यूज़ करना ना भूलें। साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लाइव आपको एक अलग से टीम मिलती है, जो समय समय पे आपको गाइड करेगी, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर्स, पर्सनलाइज फीडबैक आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इसकी एक साल की फीस 69,500 है, कोर्स यूज़ करने के बाद ये फीस हो जाएगी 62,550। दो साल की फीस 1,07,000 है, कोड यूज़ करने के बाद 96,300। तीन साल की फीस 1,41,000 है, कोड यूज़ करने के बाद 1,26,900। तो देखिए, एक से दो साल के जो कोर्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी की आवश्यकता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यूपीएससी में तो आपको ये स्पेशली चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस भी है, साथ में आपको एनसीईआरटीज भी कवर करनी है स्टार्टिंग से, फिर आपको ट्रेडिशनल पार्ट भी लेके चलना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। फिर उसके अलावा ऑप्शनल भी आपको करना है, टेस्ट सीरीज करनी है आपको सभी की, ठीक है, ऐसे भी करना है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे, वो इसी से पॉसिबल हो सकती है। करंट अफेयर्स की क्लासेस करनी है तो आपको कम से कम, देखिए एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो दो साल का करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप कोर्स लें तो एक से दो साल का लें। जो न्यू बिगनर्स हैं, जो अभी 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो 3 साल का कोर्स ले सकते हैं। ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 6 मंथ ऑप्शनल चार्ज है 22,500, कोड यूज़ करने के बाद 20,250। एक साल की फीस
अगर बात करें 27,500 है, कोड यूज़ करने के बाद 24,750, 2 साल की फीस 40,000 है, कोड यूज़ करने के बाद 36,000, 3 साल की फीस 50,000 है, कोड यूज़ करने के बाद 45,000। तो VIZY01 कोड यूज़ करना ना भूलें। आप सभी फीस जो भी पेमेंट करेंगे वहाँ पे आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं, साथ में आपको EMI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन आपको सभी प्रकार के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक को डेली न्यूज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं हैं। चलिए हम बात करते हैं, NIIF में 6,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। NIIF है क्या? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एक ऐसा फंड बनाना जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो निवेश के लिए कारगर हो, साथ में एक प्रकार से निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होगी आपको, उसमें भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर निर्भरता ज़्यादा हो, फिर उसके अलावा बंदरगाहों का निर्माण, सड़क का निर्माण, ठीक है, तो ये जो रेलवे का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, तो ये एक प्रकार से कहीं भी निवेश करेंगे आप तो इसकी कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। तो इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस फंड को बनाया गया है, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया है। दूसरा ये है कि जो निवेशक है उनकी सुरक्षा के लिए भी ये फंड काम करेगा। तो अभी क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में 6,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। तो ये जो फंड है ये है टोटल 40,000 करोड़ का, इसमें इकट्ठा करना है, जिसमें से 49% जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, 51% निजी संस्थाओं के द्वारा ये इकट्ठा किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय संरचना निवेश कोष में 6,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। तो ये 6,000 करोड़ रुपए जो निवेश किया जाएगा ये अवसंरचना कोष में ही किया जाएगा। और ये जो निवेश को किया जा रहा है ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पर केंद्रित है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है, एक योजना रखी है, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए आवश्यक है कि 1 लाख करोड़ का है तो हमें निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, तो निवेश के लिए 6,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। फिर NIIF की स्थापना जो है दिसंबर 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप समझ ही चुके हैं, एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, ठीक है, बिजली सप्लाई, तो इन सब के क्षेत्र में जो है निवेश को बढ़ावा देना है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस फंड की आवश्यकता थी। इस देश में आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा, और कोविड की वजह से आपका आर्थिक विकास जो है वो बहुत धीरे हो गया है, स्लो डाउन है। तो ये स्लो डाउन जो चल रही इकोनॉमी आपकी, इसको तेजी से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना आवश्यक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही कोई भी निवेशक सरलता पूर्वक अपने व्यापार को एक प्रकार से वो प्रॉफिट कमा सकता है। कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तुओं की आवागमन की सुविधा हो, और अगर कनेक्टिविटी होगी, संसाधन होंगे, और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं निवेश के लिए, अगर ये सब चीज़ें अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इसलिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है, फिर निवेशकों के निवेश को बढ़ाना है, तो यही मूल उद्देश्य है। फिर NIIF को जो है प्रतिभूति विनिमय सेवी में कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो इसको कैटेगरी 2 में पंजीकृत किया गया है, ठीक है, कई कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें सेकंड कैटेगरी में इसे पंजीकृत किया गया है, क्योंकि देखिए पंजीकृत करने का मूल उद्देश्य ये है कि इसे सरकारी और निजी संस्था दोनों ने मिलकर ये फंड को एस्टेब्लिश किया है, इसीलिए इसे कैटेगरी 2 में रखा गया है। आने वाले वर्षों में
40,000 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 49% हिस्सा जो है केंद्र सरकार द्वारा और 51% घरेलू और वैश्विक निवेशकों द्वारा। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये जो फंड है, ये फंड जो है प्राइवेट फंड है, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्राइवेट फंड है ये। फिर एनआईएफ की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और गवर्निंग काउंसिल सलाहकार परिषद के रूप में कार्य करती है। तो गवर्निंग काउंसिल जो है, गवर्निंग काउंसिल वह सलाहकार एडवाइजरी के रूप में काम करती है और इस काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। ये याद रखना है आपको, ये आपके प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर पाइपलाइन, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, जिसकी हमने बात की थी, जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ के तहत इसका निर्माण कार्य करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें क्या है कि सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है। तो सामाजिक विकास भी करना है, साथ में आर्थिक विकास भी करना है, ठीक है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाज से जुड़े हुए हैं, तो आप आर्थिक तो विकास करेंगे, साथ में सामाजिक विकास भी। सामाजिक के मतलब कि जैसे कि एक स्मार्ट की बात करते हैं, कि स्मार्ट शहरों की बात करें, या हृदय की बात करें, हृदय जो शहरों को रिनोवेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ये जितने भी कार्यक्रम हैं, स्मार्ट सिटी, हृदय, तो ये सभी जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। तो मूल उद्देश्य क्या है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो कहीं ना कहीं निवेशकों और देश के व्यक्तियों के लिए एक सरल जीवन शैली के हिसाब से उपयोगी हो, ठीक है। तो इसीलिए इस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा निवेश होगा, उतनी लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उतने ही रोजगार का सृजन होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप समझिए, कनेक्टिविटी। फिर 2019 से लेकर 2025 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बनाने के लिए 2019 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, ठीक है। ये पाइपलाइन मुख्य रूप से उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी जो जीवन यापन को आसानी बनाए, ठीक है। तो जैसे कि अब आप बताइए, आने वाला समय किसका है? इंटरनेट ऑफ थिंग का है। आपने कंसेप्ट लेके आया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, हृदय प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका मूल उद्देश्य क्या है कि आप लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए काम करें। देखिए, उनके लिए पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, ठीक है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो, सड़क की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, रेलवे से, एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, फिर एक प्रकार से सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं एक स्मार्ट सिटी भी डेवलप होगी, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होगा जो कहीं ना कहीं भारत में एक सरल लाइफ स्टाइल के लिए, निवेशकों के लिए काम करेगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक क्राइटेरिया होता है। फिर दूसरा, दुनिया भर के इंडेक्स होते हैं कि रहने योग्य कौन सी सिटीज़ हैं। तो ये सिटीज़ की बात करें तो स्वच्छता आपके यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है, ओडीएफ आपने प्राप्त कर लिया है। पहले भारत में पर्यटन कम होने का मूल कारण ये था कि भारत में स्वच्छ सिटी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में स्वच्छता की ओर हम बढ़ रहे हैं, सफाई बहुत तेज़ी से हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन बढ़ेगा तो आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो इसके दूरगामी आयाम है, लोगों की स्थिति बढ़ेगी तो आपको स्वास्थ्य में कम खर्च करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, जैसे जल जीवन मिशन है, स्वच्छ जल मिलेगा तो आपको कम खर्च करना पड़ेगा स्वास्थ्य में, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों को इससे जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको जो गवर्नमेंट के अन्य खर्चे होते हैं हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, उन खर्चों में कमी आएगी, एक प्रकार से स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट होगा। फिर इसमें स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, सुरक्षित पेयजल, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डे, विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थान। तो विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है, आपको पता है कि विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को मौका दिया जाएगा, और साथ में शैक्षणिक के क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ाना गवर्नमेंट का लक्ष्य है, कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो भारत में आके भी अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं।
फिर एक अनुमान है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में भारत में सड़क, ऊर्जा, शहरी, रेलवे जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में कुल व्यय 70% हिस्सा है। तो बुनियादी ढांचे में जो व्यय होगा वो 70% जो है वो किस में होगा, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। भारत 2024 से लेकर 2025 तक उसका लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना। तो ये पॉसिबल कब हो पाएगा, जब आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा वो कैसे, NIIF की बिना मदद के नहीं हो सकता, या फिर राष्ट्रीय पाइपलाइन अवसंरचना पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से होगा। साथ में देखिए, अगर ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP को अगर पूरा किया जाता है तो इससे निवेश में वृद्धि होगी, पर्यटन में वृद्धि होगी, ठीक है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो इन सब कारणों से क्या है कि कुल मिला के आपकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास के बाद सामाजिक विकास भी होगा। तो इस सब चीजें जो है कहीं ना कहीं सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की मदद के लिए उन्हें हेल्पलाइन सेवा प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, ट्रांसजेंडर वर्तमान में बड़ी समस्या है, एक प्रकार से इनके साथ समाज में भेदभाव होता है। अगर सामाजिक मुद्दों की बात की जाए तो समाज में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पे एक प्रकार से नज़र रखता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की स्थिति जो है एक प्रकार से काफ़ी दयनीय है और उन्हें उनके अधिकारों की आवश्यकता है। उनके लिए समाज में एक नई जगह, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो आज भी कहीं ना कहीं एक कोने में है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसको रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर इनको सड़कों में भटकना पड़ता है और जीविकोपार्जन के लिए रोजगार नहीं मिलता। अगर कहीं पे देखिए, बहुत सारे, अगर बात करें केरल में ट्रांसजेंडर्स को जॉब दी गई, फिर रेलवे ने भी ट्रांसजेंडर्स लोको पायलट्स को मौका दिया। तो इस प्रकार से ट्रांसजेंडर्स को एक प्रकार से महत्व बढ़ रहा है, उन्हें अलग अलग जगहों पे रोजगार सृजित किए जा रहे हैं, मौका दिया जा रहा है। तो उसी की बात करते हैं। तो लोगों के लिए देखिए, मदद के लिए इस हेल्पलाइन सेवा की आवश्यकता वर्षों से चली आ रही है कि हेल्पलाइन सेंटर्स बनाए जाएं, जहां पे ट्रांसजेंडर कंप्लेन करें और उनकी शिकायतों का निराकरण हो, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता। तो केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन सर्विसेज सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी की है, ठीक है। इस नंबर पर उन्हें कानूनी, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक से जुड़ी सभी प्रकार की मदद मुहैया कराई जाएगी। कई बार क्या होता है कि समाज की हेय दृष्टि के कारण साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं, कानूनी सुविधाएं, अगर उनकी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई समस्या हो जाती है तो वो केस दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको सभी प्रकार की मदद इस हेल्पलाइन से मिलेगी। हेल्पलाइन सेवा चलाने के लिए वॉलेंटियर्स और साझेदार संगठनों के साथ गठजोड़ करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो हेल्पलाइन होगी इसके माध्यम से एक प्रकार से NGOs की मदद ली जाएगी और लोकल लेवल के संगठनों की मदद ली जाएगी। विशेषज्ञ देश में 5 क्षेत्रों में काम करेंगे। वो समुदाय के सदस्यों को कानूनी, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान करेंगे। फिर केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पहचान पत्र लाने पर भी विचार कर रही है, ठीक है, और इनके लिए पोर्टल्स भी जारी किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से ये अपना पहचान कर सकते हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे, वो पोर्टल जारी किया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस की जानकारी दी है कि इस कार्ड के जरिए समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। तो ये कार्ड एक प्रकार से इस पोर्टल पे बनवाया जा सकता है, जो कि पोर्टल इन्होंने डेवलप किया है। हाल ही में NCTP का भी गठन किया गया। NCTP यही है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। तो ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए एक परिषद का गठन भी हाल ही में किया गया है, और ये परिषद क्या करेगा, इनके कल्याणकारी योजनाओं को इनके तक पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक है। फिर केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, और साथ ही बड़ोदरा में गरिमा गृह और शेल्टर होम
फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो यही गरिमा गृह जो है इसी को कहा गया है, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन भी किया गया है। क्योंकि देखिए इनको सड़कों पे अपने जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तो इनके लिए शेल्टर्स होम बनाए जाएंगे जहाँ पे ये रह सकते हैं और अपने जीवन यापन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2020 की अधिसूचना में 2 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। ये इस अधिनियम में ये अधिसूचना थी कि इनके लिए एक पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे इनके लिए प्रमाण पत्र बनाए जाए, इनका एक प्रकार से सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट दिया जाए, पहचान प्रमाण पत्र दिया जाए, ठीक है, जो कि डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और एक अलग पहचान बना सकते हैं, तो इसलिए आवश्यक था। साथ में देखिए गुजरात के में जो है गरिमा गृह जो बनाया गया है, ये बड़ोदरा के गुजरात के बड़ोदरा में ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल बनाया गया है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, जिसे लक्ष्मण ट्रस्ट वहाँ की लोकल एक ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाएगा। आश्रय स्थल का उद्देश्य जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है, साथ में आश्रय के साथ उनको भोजन दिया जाएगा, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा समुदाय में व्यक्तियों की क्षमता निर्माण, देखिए अब खाली बैठाया तो नहीं जा सकता, इसलिए उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि उन मैन पावर का भी एक प्रकार से उस मैन पावर का भी यूज करना उद्देश्य है, ठीक है। सहायता प्रदान करेगा जो अच्छे सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। अगर वो एक प्रकार से स्किल होगी तो वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को एक प्रकार से अपने जो जीवन है उसको जीने के लिए कुछ अर्निंग कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार से उनके अच्छे जीवन के लिए कार्य करेगा। फिर सॉरी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, योग, ध्यान, प्रार्थना, देखिए सबसे मनोवैज्ञानिक अगर किसी को रिकवर करना है तो उसे आवश्यकता होती है योग की, मेडिटेशन की, एक काउंसलिंग की, तो इसलिए ये सब उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा। योग सिखाया जाएगा, मेडिटेशन सिखाया जाएगा, शारीरिक फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा। पुस्तकालय, देखिए खाली बैठने से अच्छा है उन्हें पुस्तकालय की सुविधा दी जाए, उनको पढ़ने की और कानूनी सहायता, लिंग परिवर्तन अगर कोई चाहता है लिंग परिवर्तन कराना, ठीक है, तो सर्जरी की भी सुविधाएं वहाँ पे दी जाएंगी, सलाह दी जाएंगी। ट्रांस फ्रेंडली संगठनों की क्षमता निर्माण करना, और जो ट्रांसजेंडर के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उन्हें एक प्रकार से आर्थिक मदद देना, ये मूल उद्देश्य है। फिर देश में लगभग 13 ऐसे केंद्रों की स्थापना की गई है जहाँ पे 13 शेल्टर होम स्थापित किए जाएंगे, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुविधा का विस्तार करने के लिए 10 शहरों की पहचान की गई जाएगी। और साथ ही इनमें देखिए अलग अलग शहर है, जैसे बड़ोदरा, नई दिल्ली, पटना, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की अधिकता है, तो ऐसी जगहों पे उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। और इसमें हर एक शेल्टर होम में न्यूनतम 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जाएगा। इसके सफल होने पे ये एक प्रकार से अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, फिर सफल होने पे पूरे देश में इन योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। अब अधिनियम की बात करते हैं, 19 में अधिनियम लाया गया, संसद ने इस अधिनियम को ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों, उनके कल्याण और अन्य संबंधित मामलों में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया रखा। क्योंकि देखिए समाज में इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, कई बार जिनके यहाँ ये बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है और उनके साथ गलत बदसुलूकी की जाती है, तो इस प्रकार की समस्याएं होती है, इसीलिए सरकार को अधिनियम लाना पड़ा। यह अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग उसके जन्म के समय के लिंग से मेल नहीं खाता, तो उस व्यक्ति को परिभाषित करता है यह अधिनियम कि उसको एक आइडेंटिटी दी जाए, उसे सम्मान दिया जाए, उसे स्किल डेवलप किया जाए, उसके रहने की व्यवस्था की जाए, उसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उसे रोजगार दिया जाए, तो इस प्रकार की चीजें उसके मानसिक और साइकोलॉजिकल, उसमें एक प्रकार से योग और मेडिटेशन के माध्यम से उसके साइकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसे दूर किया जाए। फिर
तो ये कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। अब अधिनियम की बात करें, अधिनियम आया कब गया, इस अधिनियम की पृष्ठभूमि सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के फैसले में राष्ट्रीय विधिक सेवा बनाम भारत संघ मामले में निहित है। ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को मान्यता दी थी और अदालत ने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई उपाय किए थे, ठीक है। इसके खिलाफ भेदभाव को रोक दिया गया और इनके शैक्षणिक संस्थाओं, नौकरियों में कल्याणकारी नीति और आरक्षण के निर्माण की भी सिफारिश की गई और बहुत सारे राज्यों में ये लागू किया गया है। और केरल जैसे राज्यों में तो कई ट्रांसजेंडर्स को नौकरी भी दी जा रही है अलग अलग जगहों पे, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे टॉपिक पे चलते हैं कि हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक को, ये डीबीएस बैंक आपने देखा ये सिंगापुर का बैंक है, सिंगापुर बैंक है एक प्रकार से, और ये लक्ष्मी विलास बैंक है, ठीक है। तो दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ये अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड को विलय की योजना को मंजूरी दी है। देखिए ये मंजूरी इसलिए दी गई है कि जमाकर्ता जो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, उनके हित की रक्षा की जाए, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थिति है वो धीरे धीरे उसकी साख कमजोर होती जा रही है। तो बैंकिंग विनियमन कानून 1949 की धारा 54 या 50 के अनुसार आरबीआई के आवेदकों पर विलय की यह योजना बनाई गई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक पे 30 दिन के अवधि के लिए मोरेटोरियम लगा दिया था। मोरेटोरियम का मतलब ये था कि देखिए आपके पास एक सीमा लगा दी गई थी कि आप 25,000 से ज़्यादा एक बार में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर एक ही साथ लोगों को पता चल जाता कि इसकी स्थिति खराब है तो लोग अपने पैसे निकालते, उसकी साख गिर जाती, बाद में उसे विलय करना मुश्किल रहता, इसलिए ये सीमा लगा दी गई थी। देखिए क्या है कि ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये 94 वर्षों से काम कर रहा है, दक्षिण भारत में काफ़ी इसकी ब्रांचेज हैं। तो ये डीबीएस इंडिया के साथ 17 नवंबर 2020 को किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। आरबीआई ने बैंक को 1 महीने के लिए स्थगन के तहत रखा था। इस 1 महीने में ग्राहकों को खाते से निकालने के लिए 25,000 रुपये की सीमा लगा दी गई थी। आरबीआई ने एलवीवी बोर्ड को भी निरस्त कर दिया और 30 दिनों के लिए टीएन मनोहरन को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया था 30 दिनों के लिए। अब क्या किया गया, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो जनता और हितधारकों के, देखिए इसमें सुझाव जनता से भी लिया गया, उसके जो हितधारक थे उनसे लिया गया, और उनसे ये लिया गया कि देखिए सुझाव और आपत्तियों को आमंत्रित किया गया कि भैया ये क्या करना चाहिए, और लोगों ने इस पे सहमति दी कि विलय की ये योजना जो है ये सरकार को एक प्रकार से सहमति मिली और सरकार ने इस पे मंजूरी की, और यह कार्य मोरेटोरियम की अवधि को समाप्त होने के काफ़ी पहले कर दिया गया ताकि लागू मोरेटोरियम के कारण अपने धन की निकासी नहीं कर पाने की जमाकर्ताओं की परेशानी कम किया जाए। क्योंकि 1 महीने के लिए देखिए इसको स्थगित किया गया था कि 1 महीने तक आप 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या है कि ये समस्याएं हो रही थी, इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि मोरेटोरियम की जो सीमा थी उसे समाप्त कर दिया कि जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। अब एलवीबी का तेजी से विलय और उसकी समस्या समाधान सरकार की स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अब देखिए आपने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया है डीबीएस में, अब लोगों को ये विश्वास होगा कि देखिए विलय होने से डीबीएस का एक प्रकार से काफी अच्छा आधार है, उसका साख है, तो विलय होने से ग्राहकों को एक विश्वास आएगा कि हाँ भैया बढ़िया बैंक है, अब हमें पैसे इससे निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब हमारे पैसे सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से अभी अभी मर्ज होने के बाद क्या है, एक विश्वास डेवलप होगा जो कि भारत में स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने में प्रतिबद्धता जो आरबीआई की है वो पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो है ये कदम काफी लाभदायक होगा। फिर डीबीएल एक बैंकिंग कंपनी है, डीबीएल के बारे में बात करते हैं, जिसे आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त है जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है। डीबीआईएल को सुदृढ़ बैलेंस शीट है उसका, माने बैलेंस शीट जो तुलन पत्र होता है बैंकों का, वो बैलेंस शीट उसका काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छा है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है, इसीलिए डीबीएस से संबंध होने के कारण यह अतिरिक्त लाभ की स्थिति में भी है। फिर डीबीएस एशिया का प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है जिसकी
18 बाजारों में उपस्थिति है, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, सिंगापुर में। तो ये डीबीएस जो है 18 जगहों पे काम करता है और एक प्रकार से ये सिंगापुर में इसका मुख्यालय है और सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टेड भी है। विलय के बाद डीबीआईएल का संयुक्त बैलेंस शीट सुदृढ़ रहेगा और इसकी शाखाओं की संख्या 600 होगी। तो इस प्रकार से इसकी शाखाओं में वृद्धि होगी, ग्राहकों का इस पर विश्वास होगा क्योंकि डीबीएस की स्थिति अच्छी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर विलय का प्रदेश, भारत में जबरन विलय का प्रदेश, आरबीआई को कई जबरन विलय किए गए। सितंबर 2006 में आरबीआई ने आईडीबीआई यूनाइटेड वेस्टर्न विलय के लिए सम्मेलन आयोजन किया गया था। शीर्ष बैंक ने 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के विलय की योजना की घोषणा की थी। तो ये जो विलय है ये अभी नहीं, पहले से ही किया जा रहा है और कई बार ये बैंकों की बिना परमिशन के भी जबरदस्ती किया जाता रहा है। और अगर विलय की ही बात करें, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, और अगर आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं जबरदस्ती, देखिए देश के हित में हो अगर बैंकों का विलय करना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। तो इसीलिए बैंकों का विलय करना ये अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। और वर्तमान में देखिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत मिशन या अन्य योजनाएं, तो कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य क्या है, भारत की इकोनॉमी को विकास करना। सरकार ने चारों तरफ से फंड लेना, बैंकिंग सुधार की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, बैंकों के शेयर बेचे जा रहे हैं, बैंकों को मर्ज किया जा रहा है जिससे साख मजबूत हो। अभी वैश्विक रैंकिंग आई थी तो उसमें भारत की केवल एक ही बैंक है एसबीआई जो कि टॉप 100 में शामिल है, बाकी बैंक क्या है, टॉप 100 के नीचे हैं। तो इसीलिए बैंकों को मर्ज करके एक मजबूत यूनाइट बैंक स्थापित करना जो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, बैंकों के मेगा विलय की बात करें तो सरकार ने 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बैंकों में समाकित करने के लिए घोषणा की थी। इस विलय पूंजी को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया गया था। देखिए कुशलता पूर्वक प्रबंधित करना, विलय पूंजी को, कैपिटल जो है पूरे भारत में बैंकों का जो कैपिटल है उसका कुशलता पूर्वक प्रबंधन करना। क्योंकि देखिए एक मान लीजिए बैंक घाटे में चल रहा है, एक फायदे में चल रहा है, तो फायदे में अगर चल रहा है तो उसका प्रबंधन स्ट्रांग है। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, उसकी कार्य योजनाएं स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं सभी चीजें मिलके दूसरे बैंक को भी सपोर्ट कर सकती हैं, उसे भी अगर मर्ज कर दिया जाए तो वो भी ग्रो कर सकता है। इस मेगा विलय योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को एकीकृत किया गया, इलाहाबाद बैंक को इंडिया बैंक में मिला दिया गया, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय कर दिया गया, आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। इस विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो अभी वर्तमान में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, अभी केवल 12 ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे हुए हैं। तो ये बैंकिंग को, जो बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, ये इकोनॉमी एक प्रकार से देश की इकोनॉमी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फिर फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम की बात करें, देखिए फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि पूरे भारत में फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का मूल उद्देश्य क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को फिट करना। एक प्रकार से हेल्दी, अगर आप फिट रहेंगे तो एक प्रकार से गवर्नमेंट को जो हेल्थ के सेक्टर में खर्च करना पड़ रहा है वो खर्च उसका बच जाएगा। और अगर खर्च, अगर आप फिट रहेंगे तो आप क्या है कि भारत के एक प्रकार से वैश्विक देशों में ओलंपिक गेम में आप सपोर्ट कर सकते हैं, अन्य गेमों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो भारत का नाम होगा। फिर एक फिट बॉडी में ही एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है, एक इनोवेटिव माइंड क्रिएट होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक फिटनेस की बात है। फिर देखिए फोर्टिफाइड फूड की बात करें तो फोर्टिफाइड मिशन लाया गया, फिट इंडिया मिशन लाया गया, ठीक है थोड़ा खाओ मिशन लाया गया। तो ये इस प्रकार से पूरे इंडिया में, देखिए वर्तमान में क्या है, भारत में बीमारियों का दौर स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बीमारियाँ शुगर की मिलेंगी, बीपी, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप इससे एक्सरसाइज करें, फिट रहें,
तो ये बीमारियों से लड़ा जा सकता है। इसीलिए अभी से बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। इस लॉन्च समारोह के दौरान जो रिजिजू हैं उन्होंने कहा, जीवन में फिटनेस के महत्व के बारे में बात की और छात्र भारत को फिट बनाने के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। तो आने वाली पीढ़ी जो है अगर वो फिट हो जाए, ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का समाज, ठीक है, एक प्रकार से फिट हो जाएगा। इसीलिए इसे स्कूल लेवल पे ज़्यादातर फोर्स किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ठीक है, बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया, 2019 में देश भर में 15,000 स्कूलों में भाग लिया इस पे। फिर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्कूलों की ग्रेडिंग सेट की गई। देखिए, कहीं ना कहीं ग्रेडिंग सेट करने का मूल उद्देश्य क्या होता है कि एक स्कूलों की कैटेगरी होती है, तो कंपटीशन की भावना होती है कि हमारा स्कूल के बच्चे ज़्यादा फिट हैं, हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा फिट हैं, तो स्कूल भी एक प्रकार से अप्रिशिएट होते हैं, ठीक है, बढ़ावा मिलता है। रैंकिंग को प्राप्त करने वाले स्कूल फिट इंडिया का लोगो तथा झंडे का उपयोग कर सकते हैं। जिनकी रैंकिंग अच्छी है वो इस लोगो का यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आपको अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड जो ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करता है, आपके साइकोलॉजिकली आपको एक प्रकार से अप्रिशिएट करता है, ठीक है। रैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं, देखिए इसके लिए स्कूलों को फिट इंडिया पोर्टल पर जाके सर्वेक्षण में हिस्सा लेना होगा, फिर उसी के आधार पे ये रैंकिंग बनाई जाएगी। तीन, देखिए, फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया स्कूल 3 स्टार, फिट इंडिया स्कूल 5 स्टार। स्कूलों की ये रैंकिंग इस आधार पर दी जाएगी कि छात्रों और अध्यापकों की फिटनेस पर कितना बल देते हैं। तो रैंकिंग छात्रों और अध्यापकों की फिटनेस पर आप कितना बल देते हैं स्कूल के द्वारा, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिटनेस मस्ट इम्पॉर्टेंट, और वर्तमान में गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह फोकस कर रही है। इस आंदोलन की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को भारत के पीएम मोदी जी के द्वारा की गई। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस शुरू किया गया था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। ये दिवस आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद, आपके यहाँ जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आपने हॉकी में जीते हैं वो इन्हीं के बदौलत जीते हैं, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये अपनाया गया। खेल में कौशल तकनीक से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया था इन्होंने, किसनों ने, देखिए मेजर ध्यानचंद के बारे में आपने काफ़ी जाना होगा, ठीक है। ये स्टिक से, केवल नॉर्मल स्टिक से ये हॉकी खेलते थे, ठीक है। जर्मनी के हिटलर ने इन्हें अपनी टीम में खेलने का ऑफर भी दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यानचंद के बारे में, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता था इन्हें, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए बात करते हैं, देखिए प्रगति, प्रगति क्या है? प्रगति एक ऐसे सिस्टम है कि देखिए ये पीएमओ के द्वारा ऑपरेट होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा ऑपरेट होता है, और मूल उद्देश्य क्या है कि इस प्रगति सिस्टम के माध्यम से एक प्रकार से गवर्नेंस को बढ़ावा देना, गवर्नेंस को बढ़ावा देना। मूल उद्देश्य ये है कि सभी मुख्यमंत्री प्रदेशों को जोड़ना, फिर प्रदेशों में जो चल रही योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को डायरेक्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, योजनाओं पे, क्रियान्वयन पे नजर रख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से स्मार्ट सिस्टम है प्रगति, ठीक है, जो कि पीएमओ में काम करता है। इस प्रगति के माध्यम से प्रॉपर पूरे योजनाओं का डेटा इस सिस्टम में सेव होता है, और एक प्रकार से ये सिस्टम बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है एक प्रकार से। इसका मूल उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना, और इसमें जो भी डेटा होता है वो सिस्टम में सेव होता है, उसे एनालाइज करता है, फिर प्रॉपर उसको दिखाता है, तो जिसके माध्यम से निगरानी रखी जा सकती है योजनाओं के क्रियान्वयन पे। तो ये वार्ता हर उसमें होती है। अभी जो है 33 वार्ता शायद हुई है, 33वीं वार्ता। प्रगति के बारे में बात करते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर प्रधानमंत्री डायरेक्ट प्रगति का यूज करके, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित ये प्लेटफॉर्म है जिसके डेटा का यूज करके योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इस पे नजर रखी जाती है, और अगर उनमें टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उस पे एक्शन लिए जाते हैं। एक प्रकार से स्मार्ट गवर्नेंस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये सिस्टम प्रगति। इस प्लेटफॉर्म को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह इंटरेक्टिव
एकीकृत मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का भी समाधान करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो MyGOV में जाके आप अपनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो डायरेक्ट प्रगति से कनेक्टेड है, तो शिकायतों की लिस्ट आएगी, किस विषय में कहाँ समस्या है तो इसको भी एनालाइज करेगा। यह सरकारी योजनाओं की निगरानी करता है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय से बनाया गया है, NIC के, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स के मदद से, और PMO प्रधानमंत्री ऑफिस दोनों ने मिलकर इसे बनाया है, तो ये याद रखना है। प्रगति वार्ता की बात करें तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 33वीं प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की। इस बातचीत के दौरान विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई कि भाई ये कार्यक्रम कहाँ है, क्या स्थिति है। साथ में परियोजनाएं समीक्षाएं रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, DPIIT और बिजली मंत्रालय की थी, ठीक है। तो रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन, इन सब पे ये चर्चा हुई। परियोजनाओं पर 41 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। फिर इन परियोजनाओं में 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कनेक्ट किया गया। साथ ही इस बैठक में COVID-19 और PM आवास योजना से संबंधित शिकायतों को भी उठाया गया। देखिए कितना स्ट्रिक्ट सिस्टम है कि PM तक आप डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं। तो प्रगति इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में इसका एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट हब के रूप में PM स्वनिधि, कृषि सुधार, जिला के विकास सहित योजनाओं को भी समीक्षा की गई। तो कृषि सुधार के लिए जो सरकारी योजनाएं लाई गई हैं, जो अधिनियम लाए गए हैं, जो कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं, उन पर चर्चा हुई। PM स्वनिधि का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हैं। तो देखिए, PM को डेली बेसिस पे इसके माध्यम से एक आपको डेटा मिलता है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों को एक राज्य निर्यात रणनीति विकसित करने के लिए कहा। देखिए, आत्मनिर्भर होने से केंद्र सरकार का केवल लक्ष्य नहीं है कि आत्मनिर्भर हुआ जाए, केवल राज्य सरकारों का भी ये एक प्रकार से लक्ष्य होना चाहिए कि आपको निर्यात ओरिएंटेड होना है। आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिनकी वैश्विक लेवल पे डिमांड हो, ठीक है, वैश्विक लेवल पे जिनकी डिमांड हो, आप उन्हें निर्यात कर सकें सस्ते दामों पे, तो ये पॉसिबल होगा एक प्रकार से, चीप और क्वालिटी बेस्ट, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है। तो देखिए, GI टैग आपको दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड है आपके जगह पे कुछ, तो उसको ही आप फोकस करिए, उसमें ही प्रोडक्शन करिए, उसी का उत्पादन करिए, उसमें क्वालिटी और बढ़ाइए। इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं उत्पादन निर्यात की ओर बढ़ा सकते हैं आप, तो ये इस पे बढ़ावा दिया गया। फिर प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है, परियोजनाओं के क्रियान्वयन पे नजर रखना, परियोजनाओं की निगरानी करना और शिकायत का निवारण करना, तो ये तीन चीजें ये काम करता है। फिर डिजिटल डेटा प्रबंधन करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से सभी की कनेक्टिविटी, भू स्थानिक तकनीक सहित तीन तकनीकों को जोड़ता है। तो तीन चीजें हैं इसमें, पहला डेटा प्रबंधन, दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरा सैटेलाइट तकनीक का यूज भी इसके माध्यम से किया जाता है कि जिससे कम्युनिकेशन स्थापित हो जाए। वह फिर भारत सरकार, राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य सचिवों के साथ संयुक्त बैठक इसके माध्यम से की जा सकती है। चलिए, तो ये हमने प्रगति पे बात कर ली। प्रगति को आप मेंस ओरिएंटेड लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है प्रगति मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर स्मार्ट गवर्नेंस की बात की जाए, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट, तो ये स्मार्ट जो है वो पॉसिबल कैसे हो पाएगा, वो प्रगति जैसे सिस्टम्स के माध्यम से हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज किया जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस काम किए जाए, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को आप बढ़ावा दे ही रहे हैं, साथ में ई न्यायालय की भी बात है, तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन और लोगों तक सरलता पूर्वक पहुंच की बात करती हैं। यहाँ तक कि कोविड के समय हमने चिकित्सा सुविधाएं, अभी एजुकेशन भी हम बात करें, तो ये चीजें क्यों स्मार्ट, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। मान लीजिए चिकित्सा की बात करें, तो चिकित्सा मंत्रालय पूरी चिकित्सा योजनाओं को डिजिटलाइज करे, उन पे एक प्रकार से उन पे नजर रख सके। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो HRD मिनिस्टर इस पे काम कर सके, मंत्रालय के द्वारा ऐसे सिस्टम बनाए जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्मार्ट गवर्नेंस की ओर बढ़ना है, काम को सरल करना है, सिंपल करना है, मोरल बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तभी जाके जन कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो पॉसिबल हो सकती है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है प्रगति का। तो जब आपके गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आपको डेली क्लासेस की PDF यहीं से भी मिलेगी। ये हमारा कोड है,
जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें कोड यूज करना ना भूलें VIZY01। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।